मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं हमारे सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ की वर्कशीट वीक 5 क्लास 3 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। देखिए बच्चों, लेसन 1 वाटर ओ वाटर। तो बच्चों, ये चैप्टर हम सभी ने हमारे जो बुक है उसमें से पढ़ा ही होगा। बच्चों, अगर नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले चैप्टर पढ़िए ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बच्चों, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 थिंग्स प्रोवाइडेड बाय नेचर विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बच्चों, ऐसी 3 कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, हमारी लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। तो देखिए बच्चों, फूड, वाटर एंड एयर। अगर ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, नेम एनी 5 रिसोर्सेज ऑफ वाटर। तो बच्चों, आपको ऐसे 5 रिसोर्सेज के नाम लिखने हैं जिनसे हमें वाटर मिलता है। ठीक है, तो हमें कहाँ से मिलता है देखिए बच्चों, ग्राउंड वाटर मतलब कुएं से, वेल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सी वाटर समुद्र, सरफेस वाटर, ठीक है, रिवर, लेक, ये सभी हमारे रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें वाटर मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, सी द गिवन पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट देयर फॉर्म ऑफ वाटर। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे दिया गया है पिक्चर, आपको बतानी है कि ये वाटर की कौन सी फॉर्म है। फर्स्ट वन इज अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारी लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट स्नोमैन, दिस इज आर सॉलिड फॉर्म। वाटर स्टीम भाप, ये हमारी गैस फॉर्म है। जूसेस, जूसेस हमारी लिक्विड फॉर्म है। आइस क्यूब, आइस क्यूब हमारी सॉलिड फॉर्म है। स्टीम वाइल कुकिंग, खाना बनाते समय जो भाप आती है वो हमारी गैस फॉर्म है। ठीक है, आया सभी को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सी द बिलो पिक्चर केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ द एक्टिविटी दे आर परफॉर्मिंग विद वाटर। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी गई है, आप सभी को यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सी एक्टिविटी हो रही है। फर्स्ट इज़ वॉशिंग क्लोथ, यहाँ कपड़े धोए जा रहे हैं। सेकंड इज वाटरिंग प्लांट। थर्ड इज टेकिंग बाथ। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट इज वॉशिंग हैंड्स। नेक्स्ट इज फ्लशिंग टॉयलेट। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्रशिंग टीथ एंड लास्ट वन इज क्लीनिंग कार। कार धोई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे पिक्चर्स हमने देखे, आइडेंटिफाई किए और उनके यहाँ पे एक्टिविटी पे हमने नेम्स लिखे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। बच्चों,
इंडिया की नेशनल रिवर कौन सी है, तो यहाँ लिखेंगे हम गंगा रिवर। गंगा रिवर नेशनल इंडिया की नेशनल रिवर है। लाइफ स्किल, पर्सनल क्लीनिनेस एंड हाइजीन। द गुड पर्सनल हाइजीन मीन्स टेकिंग केयर ऑफ आर बॉडी। दिस प्रैक्टिस इंक्लूड्स प्रॉपरली वॉशिंग आवर हैंड, बाथिंग, ओरल हाइजीन, क्लीनिंग आवर टीथ एंड टंग डेली, कटिंग आवर नेल्स, वियरिंग क्लीन क्लोथ्स। वी कम इन टू कॉन्टैक्ट विद मिलियंस ऑफ जर्म्स एंड वायरसेस विद एवरी डे, दे कैन मेक अस सिक। गुड पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस हेल्प अस प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। इट ऑल्सो हेल्प अस इन फीलिंग गुड अबाउट आर अपीयरेंसेज। नोट, वियरिंग मास्क, वॉशिंग आवर हैंड एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी एसेंशियल इन द पैनडेमिक, इन दिस पैनडेमिक ऑफ कोरोना वायरस। नेक्स्ट इज मेक स्टूडेंट अवेयर ऑफ द कंसेप्ट पर्सनल हाइजीन थ्रू वीडियोज, स्टोरीज, पिक्चर, डिस्कशन एंड एक्टिविटीज एक्सेट्रा। एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, वॉशिंग योर हैंड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल हाइजीन। सी द बिलो पिक्चर केयरफुली एंड मेक अ स्मॉल वीडियो ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स अकॉर्डिंगली। हाउ टू वॉश योर हैंड, तो देखिए बच्चों, आप सभी को एक छोटा सा वीडियो बनाना है, ठीक है, जिसमें आप सभी को क्या करना है, अपने हाथ कैसे वॉश करते हैं उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाना है। Wet your hands with water, apply soap, rub palm to palm with fingers interacted, intellect, rub back of each hand with the palm of the other, rub each thumb using a rotational movement, circularly rub the tips of your finger in each palm, rub each wrist with your other hand, rinse both hands well with water, dry your hand थोरोली विद अ टावल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेक अ पोस्टर ऑन द टॉपिक पर्सनल क्लीनिनेस एंड हाइजीन। तो बच्चों, आप सभी को देखिए पर्सनल क्लीनिनेस और हाइजीन पे एक पोस्टर यहाँ पे सभी को बनाना है। नेक्स्ट, संस्कार शाला, 30 जून वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे। एस्ट्रॉइड डे इज़ एन इवेंट ऑब्जर्व ऑन 30 जून टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन अबाउट द एस्ट्रॉइड। दिस इवेंट इज हेल्ड ऑन द एनिवर्सरी ऑफ सिबेरियन तुंगुस्का इवेंट दैट took place on 30 June 1908. It is the most harmful known asteroid-related event on Earth in recent history. The United Nations passed a resolution for celebrating 30 June as Asteroid Day. तो आप सभी ध्यान रखिए, 30 जून को हम वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे सेलिब्रेट करते हैं। विनिंग इज फन, बट दोज मोमेंट दैट यू कैन टच समवन्स लाइफ इन अ वेरी पॉजिटिव वे आर बेटर। फूड एंड ड्रिंक, ड्रिंक सीजनल फ्रूट जूस और शेक। पर्स एक्टिविटी प्लांटेशन, स्पोर्ट्स, एनी कार्ड गेम। डेली रूटीन, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आप सभी बच्चों वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, वीडियो की हेल्प से आप सभी अपनी वर्कशीट सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ बच्चों इसे आप सभी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, साथ ही साथ बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चों लाल बटन दबा करके मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से मैं आप सभी के लिए रोज़ वीडियोस बनाती रहूं और आप वीडियोस को देखकर अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।